उसी से सारा क्वेश्चन आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा, उसके सॉल्यूशन दूंगा, उसको कर लेते हो, लेक्चर देख लेते हो, संस्कृत में 100 स्कोर कर जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो डियर स्टूडेंट आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मैं हूँ आयुष। तो स्टूडेंट संस्कृत बोर्ड एग्जाम की जो ये प्रिपरेशन वीडियो है इसको पूरा देखिएगा। संस्कृत में अगर आप अभी 0 पे भी है तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद 10 आपका इधर लग जाएगा और यहाँ पे 1 लग जाएगा, मतलब आप 100 स्कोर कर जाएंगे। और स्टूडेंट ऐसा हो सकता है, बस मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले संस्कृत की इम्पोर्टेंस को जानिए, हालांकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी, नहीं होगी तो भी जान लीजिए। स्टूडेंट आपका अगर सपना है, अगर आपका ड्रीम है कि हम 95% स्कोर करें, 90 स्कोर करें, तो आप ऐसा सोचेंगे कि मैं सिर्फ मैथ ही पढ़ूँ, साइंस ही पढ़ूँ, 90 स्कोर कर जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ SST भी को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, और जैसे सबसे ज़्यादा जो आप लोग निगलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, मतलब कि छोड़ते रहते हैं, मतलब ही नहीं रखते, वो है संस्कृत। संस्कृत में स्टूडेंट 2 नंबर अगर लाना है तो बहुत आसान है, जो 2 मिनट का काम है। लेकिन वहीं पर साइंस में अगर आपको 2 नंबर लाना है, मैथ में लाना है, तो आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत के इम्पोर्टेंस को समझिए, विदाउट संस्कृत के आप बोर्ड में 95-90 नहीं ला सकते, क्योंकि संस्कृत के मार्क्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी अदर सब्जेक्ट की वैल्यू है। अब स्टूडेंट ये सब तो बात हो गई, अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हमारा संस्कृत में मार्क्स आ जाए। तो स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट संस्कृत में वो होता है ग्रामर का, कि जो हम लोग स्टूडेंट व्याकरण पढ़ते हैं उसमें सर हमें दिक्कत है, सर हमने बचपन से कुछ नहीं पढ़ा है, ना हमने 9th में अच्छे से पढ़ाई की है, ना हमने शब्द रूप के याद को याद किया है, तो हम लोग आगे क्या करें। तो सबसे पहले बताऊँ कि इस चैनल की जो शुरुआत थी मैंने संस्कृत सब्जेक्ट के ही लिए की थी। चैनल पे संस्कृत के 50+ वीडियो अपलोड है, जिसकी प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा, उसमें लाइक है, स्टूडेंट के कमेंट 100-100 स्कोर बच्चे हमसे पढ़ के किए हैं। तो स्टूडेंट संस्कृत में सबसे पहला जो आपका जो व्याकरण है, व्याकरण यानी कि ग्रामर, इस पोर्शन पे हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे और पूरे बेसिक से कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे को यही दिक्कत होती है। लिटरेचर में वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके पढ़ उठ के समझ के प्रैक्टिस करके काम चला लेते हैं, लेकिन वो पूरा काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन ग्रामर में काम ही नहीं चलता। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए, टुगेदर विथ की संस्कृत की बुक, जो ब्लू और उजले कलर में आती है, सारे क्वेश्चन उस बुक से रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो उसमें बहुत है, हज़ारों क्वेश्चन है, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट कौन है और हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अब बात करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट आपको बता दूँ कि जितना भी आपका जो ग्रामर है उसका मैं कल से पर डे आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, यानी एक संधि है तो संधि की एक वीडियो लेक्चर, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट मैं कहता हूं कि वो वीडियो जो होगी 20 मिनट की होगी, तो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो लेक्चर्स को, और 20 मिनट आप संस्कृत पे मेहनत करते हैं, या लेक्चर को देख के 10 मिनट करते हैं, तो भी आप संस्कृत में 100 स्कोर कर सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है, कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। आपको संधि का अगर ABCD भी नहीं पता होगा ना, समास का आपको ABCD भी नहीं पता होगा स्टूडेंट, तो भी आपको मैं जो हूँ ऐसा पढ़ाऊँगा 20 मिनट में कि आप पूरा बना जाएंगे, पूरे डिटेल में हल्के समय में पूरा पढ़ेंगे। और जो मैं प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट दूंगा उसको कीजिएगा, और संस्कृत में अगर क्वेश्चन नहीं आया तब आप जो कहिएगा मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। और जाके आप पिछली वीडियो मेरे उठा के देख लीजिए, उसमें इतनी मस्त तैयारी हुई है संस्कृत की, हजारों बच्चों ने 90+ स्कोर किया, आप कमेंट जाके देख लेना, आप वीडियो के लाइक्स देख लेना, जो भी आप देख लेना। तो वो वीडियो तो थोड़ी पुरानी है, तो हम लोग 2021 के लिए फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट मैं यही बोलना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि स्टूडेंट अगर आप संस्कृत को निगलेक्ट मत कीजिए, और लाखों आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप ही खुद सोचिए, मैं स्ट्रैटेजी वीडियो देखता रहूँ उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है जब तक उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करें, जब तक उस पर हम लोग काम नहीं करें।
तो यही बताने जा रहा था कि किसी की संस्कृत में अगर प्रिपरेशन अभी भी जीरो है, उससे कुछ भी सॉल्व नहीं होता, तो वीडियो सब पड़ी हुई उसको देखिए। लेकिन मैं नए सिरे से पत्र की वीडियो, घटना की वीडियो, चित्र आधारित वर्णन की वीडियो, वही लेटर की वीडियो, पत्र जो मैंने बोला कैसे हम लोग घटनाक्रम को सजाएंगे उसकी वीडियो, लिटरेचर का पूरा चैप्टर, एक एक चीज़। बहुत लोग स्टूडेंट आपको डायरेक्ट संस्कृत में, कुछ कुछ यूट्यूब पे मैंने देखा उतने टीचर भी नहीं है संस्कृत की, तो मुझे लगा संस्कृत में हमें नए एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, एक नया आंदोलन की ज़रूरत है जो मैं खड़ा करने वाला हूँ कल से। तो स्टूडेंट वो लेक्चर पूरा वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा आधे घंटे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी संधि विच्छेद समास जितने भी ग्रामर होते हो बुक के अंदर से ही आते हैं, सारा प्रैक्टिस होगा। तो कल से स्टूडेंट संस्कृत की मटेरियल इस चैनल पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, बस आप हमें फॉलो कीजिएगा कल से। मतलब अगर ये वीडियो अगर आप एक महीने बाद भी देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, मैं सारी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे अपडेट करता रहूँगा। तो अभी भी अगर एक महीने बाद आप देख रहे हैं तो नीचे लिंक है, आप जाके सारी वीडियो देखते चलिए। लेक्चर में स्टूडेंट क्या होगा कि मैंने संस्कृत की वीडियो देखी है बहुत सारे चैनल पर, इवन मैंने भी कॉपी पे पढ़ाया, तो पहली बार मैं एक ऐसा टीचर हूँगा जो सामने से बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी ज़्यादा आप इंटरलिंक हमसे कर सकें। तो संस्कृत की तैयारी के लिए इस चैनल को फॉलो करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें सब्सक्राइब करके, और हमारे साथ बने रहें। बहुत सारे स्टूडेंट को बता दूँ कि मैथ में भी प्रॉब्लम होता है, मैथ और साइंस में उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, तो बस आपको ऐड सब्जेक्ट आता है, तो मैंने मैथ और साइंस के भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो कीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट संस्कृत में स्कोर करना बहुत ही आसान है। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं PDF जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो टुगेदर विथ का है उसी से सारा क्वेश्चन आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दूंगा, उसके सॉल्यूशन दूंगा, उसको कर लेते हो, लेक्चर देख लेते हो, संस्कृत में 100 स्कोर कर जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।